नमस्कार, मैं हूँ रुचा और आप देख रहे हैं अजय भारत। बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोषों के बीच श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बुधवार की सुबह जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गया है। श्री अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्री निवास भवन जम्मू से झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक करीब 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु आज तड़के कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल से नहीं हो रही थी। यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सीआरपीएफ के 22 स्क्वाड कमांडो यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं यात्रा से पहले लश्कर ने धमकी दी है। इस संबंध में एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि मामला दर्ज किया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस बार 30 जून यानी कल से हो रही है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक रहेगी। यात्रा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कोरोना के 3 साल बाद, क्योंकि 2019 में धारा 370 हटने के बाद बीच में यात्रा को बंद कर दिया गया था, फिर 2 साल कोरोना चले गया और इस साल बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल सा दिख रहा है। पसीने से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन जोश आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे अंदर बरकरार है। ठीक है कि यहाँ सभी महादेव के रंग में रंगे हुए हैं और सभी शिव में हैं। वंदे मातरम। सर, 2 साल बाद हम यहाँ आए। बाबा बर्फानी से एक ही इच्छा है हमारी, एक ही मनोकामना है कि पूरे दुनिया पे हमारा भारत तिरंगा लहराया जाए। और हम यही चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी 100 क्या, 200 क्या, 2000 साल बाद कभी ये बाबा जी का पावन महीना जो सावन का महीना होता है, ये भगवान शिव के 108वीं शादी के उपलक्ष के बाद भगवान शिव पहले अमरनाथ में माता पार्वती को ले जाते हैं, जहाँ से हम माता को अमर कथा की अमर गुफा में कथा सुनाते हैं, जहाँ से अमरनाथ की हमारी यात्रा चली है। ये पूरा महीना चलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की 108वीं शादी के बाद माता कथा सुनते सुनते सो गई थी। भगवान माता पार्वती के उसी जन्म के कारण ये यात्रा चली हुई है। बोल शंकर भगवान की जय। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।